एक क्वेश्चन है 4.20 कह रहा है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन, ये है एजो आइसोप्रोपेन, यही है एजो आइसोप्रोपेन, इसका डिकम्पोजिशन हुआ है तो वो नाइट्रोजन में और हेक्सेन में कन्वर्ट हो रहा है, ये हेक्सेन है, दिस इज हेक्सेन एंड दिस इज नाइट्रोजन, तो ये जो है जब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है एजो आइसोप्रोपेन, ये है एजो आइसोप्रोपेन, इसका डिकम्पोजिशन होता है तो नाइट्रोजन बनता है और हेक्सेन बनता है, और इससे रिलेटेड डेटा को हम लोगों ने जमा किया है, वो डेटा क्या है यहाँ पर, ठीक है, उस डेटा को भी ध्यान से देखना है कि डेटा क्या है, ठीक है, डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेटा क्या है, ठीक है, डिकम्पोजिशन कराया गया है एजो आइसोप्रोपेन का, तो हेक्सेन बना है, नाइट्रोजन बना है, और कितने टेम्परेचर पर कराया गया है, 543 केल्विन पर कराया गया है, ठीक है, यही है एजो आइसोप्रोपेन, और ये जो है हेक्सेन में और नाइट्रोजन में इसका डिकम्पोजिशन हो गया, और इससे रिलेटेड जो है हम लोगों ने डेटा को जो है जमा किया है, यहाँ टाइम दिया हुआ है सेकंड में और प्रेशर दिया हुआ है मिलीमीटर ऑफ एचजी में, तो 0 सेकंड पर जो है टोटल प्रेशर, ये जो प्रेशर है ना ये टोटल प्रेशर है, बस ध्यान रखना है, ये जो प्रेशर दिया गया है ये टोटल प्रेशर है और ये टाइम है, तो याद रखना ये प्रेशर मतलब है ये टोटल प्रेशर, ये क्या है टोटल प्रेशर, ये है टोटल प्रेशर, मतलब इसमें ये भी है गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये दो तीन तीनों गैस ही है, तो तीनों ही इस रिएक्शन मिक्सचर हो गया तीनों मिला करके, तो ये तीनों मिला करके जो टोटल प्रेशर होता है वो प्रेशर दिया हुआ है, ये तीनों मिला करके, तीनों मिला करके ये प्रेशर दिया हुआ है, तो पहला है 0 सेकंड मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ यही रहेगा, इसी का सिर्फ प्रेशर दिख रहा है ये 35 मिलीमीटर ऑफ एचजी, उसके बाद 360 सेकंड, ये क्या है सेकंड में, 360 सेकंड के बाद प्रेशर बढ़ जाता है जब 54 हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है कि उसमें नाइट्रोजन और हेक्सेन कुछ बन गया है जिसके चलते ये आ गया है प्रेशर, ठीक है, उसके बाद 720 सेकंड पर जो प्रेशर हो जाता है 63 मिलीमीटर ऑफ एचजी हो जाता है, मतलब अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड अमाउंट ऑफ हेक्सेन बढ़ गया है और इसका जो है घट गया, तो अभी तीनों है, जब रिएक्शन हो गया तो तीनों का ही प्रेशर हम देख रहे हैं, तो कह रहा है कैलकुलेट, ठीक है, क्या कह रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, हमारे पास डेटा दिया हुआ है तो उस डेटा के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, ऐसे रिएक्शन कहीं पर लिखा हुआ है फिर से लिख लेते हैं, CH3 O2 CH and double bond and CH CH3, इसका डिकम्पोजिशन हुआ तो बना नाइट्रोजन और बन गया हेक्सेन, क्या बन गया हेक्सेन, CH4 क्या है हेक्सेन, ठीक है, तो यह जरा ध्यान से देखने की जरूरत है, अच्छा यहाँ पर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हेक्सेन है तो H4 थोड़ी होगा, 14 ना होगा, ठीक है 14, हेक्सेन का मतलब क्या होगा C6H14 है, 14 का 1 जो है छूट गया था 4 दिख रहा था, ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन हो गया, नाइट्रोजन हेक्सेन बन रहा है, नाइट्रोजन हेक्सेन बन रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है हम इसका मान लेते हैं, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मान लेते हैं PI, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ T=0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया T=0, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है
अभी रिएक्शन जो है शुरू करने वाले हैं, तो उस समय तो ये दोनों कुछ नहीं बना रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन जीरो होगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनिशियल प्रेशर हम देख रहे हैं ना, यहाँ पर प्रेशर के टर्म है, तो इनिशियल प्रेशर हम देखते हैं, इनिशियल प्रेशर, टोटल इनिशियल प्रेशर, टोटल इनिशियल प्रेशर यहाँ पर पी आई है, पी आई मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टोटल इनिशियल प्रेशर। अब हम जो है यहाँ पर अब लिखेंगे यूज्ड, यूज्ड प्रेशर, यूज्ड प्रेशर मतलब जब रिएक्शन हुआ तो कुछ तो कंज्यूम हो जाएगा ना, कुछ तो कंज्यूम होगा, कौन जो है रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा, जो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो वो मान लेते हैं कि रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ x मिलीमीटर ऑफ एनर्जी, इनिशियल कंसंट्रेशन है पी आई मिलीमीटर ऑफ एच जी, और यूज्ड प्रेशर कितना हुआ x मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो पी आई इनिशियल प्रेशर है, उसमें से x जो है यूज हो गया मतलब रिएक्शन में खर्च हो गया, तो अब हमको फाइनल प्रेशर लिखना होगा। ठीक है, तो फाइनल प्रेशर हमको कैलकुलेट अब करना पड़ेगा, एक्स जब खर्च हो गया तो फाइनल प्रेशर, टोटल फाइनल प्रेशर, टोटल फाइनल प्रेशर क्या होता है, जस्ट ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर जब टाइम जीरो है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, हो गया पी आई मिलीमीटर ऑफ एच जी, यूज प्रेशर एक्स मिलीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है, तो एक्स मिलीमीटर ऑफ एच जी यूज हुआ मतलब ये घटेगा। तो यहाँ देखिए, अब इसको देखो, ये क्या है, वन मोल, ये वन मोल है, तो ये भी वन मोल बना है, ये भी वन मोल बना है, ठीक है ना, यानी अगर ये वन मोल खर्च होता है, ये वन मोल ऑफ नाइट्रोजन बनता है और वन मोल ऑफ बेंजीन बनता है, 3,6H14 वन मोल ही बन रहा है ना, तो यहाँ पर यूज्ड प्रेशर मतलब क्या हुआ, एक्स खर्च हुआ है, एक्स ना खर्च हुआ है, यानी एक्स जो है माइनस हो जाएगा, ये एक्स जो है माइनस हो जाएगा, एक्स घट जाएगा, खर्च हुआ है एक्स तो घट गया ना, तो एक्स डिक्रीज हो जाएगा, ये खर्च हो गया एक्स, तो खर्च होगा x तो बढ़ेगा ही x, क्योंकि ये वन मोल खर्च हो रहा है, तो वन मोल ये बढ़ रहा है, वन मोल ये बढ़ रहा है, तो अगर x मोल खर्च करेंगे तो x मोल ही बढ़ेगा, इसलिए ये x बढ़ गया और ये भी x बढ़ गया, इसलिए हमने प्लस प्लस दे दिया, ठीक है। अब हम निकालेंगे टोटल फाइनल प्रेशर, यानी T इक्वल टू T फाइनल, तो फाइनल क्या हुआ, इनिशियल हमारा कितना था पी आई माइनस एक्स, ठीक है, फाइनल प्रेशर निकल गया हमारा पी आई माइनस एक्स मिलीमीटर ऑफ एच जी, और ये हो जाएगा एक्स जीरो प्लस एक्स, जीरो प्लस एक्स, ये भी हो जाएगा। तो जब फाइनल, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब हम मान लेंगे कि अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, या जिस टाइम पे हम स्टडी कर रहे हैं, फाइनल टाइम जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं, उस समय इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन इतना है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ कि ये यहाँ तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, प्रेशर के टर्म में बात कर रहे हैं, ये प्रेशर इतना बचा हुआ है, इसका प्रेशर इतना हो गया है, इसका प्रेशर इतना हो गया है, इस दोनों का प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि ये दोनों पहले था ही नहीं बना, और इसका प्रेशर पहले अकेले था यहाँ पर, अब जो है इसका प्रेशर घट गया, क्योंकि इतना प्रेशर यूज हो गया तो इतना बचा हुआ, ठीक है, इस तरीके से ये बेटा तैयार हो, ठीक है। अब हम आपको इसका आगे का पार्ट, घंटी बच गई है तो हम जो है इसको आगे बताएंगे दूसरे घंटे में, ठीक है, तो इंतज़ार करें नेक्स्ट पीरियड का, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे।